जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आप सभी बहुजन साथियों को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जब भी 15 अगस्त आता है, पूरा देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है। उनके संघर्ष, उनकी वीरता, उनके बलिदान को याद कर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। देश के महापुरुषों को याद कर नतमस्तक होते हैं, परंतु हमारे समाज के महापुरुषों के योगदान को जातिवादी इतिहासकारों ने इतिहास में दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरे देश को हमारे वाल्मीकि समाज के महापुरुषों से परिचय नहीं हो सका है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे वाल्मीकि समाज की एक महानायिका महावीर देवी से परिचय कराऊंगा, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया तथा शहीद हुई और अंग्रेजों से लोहा लिया। साथियों, महावीर देवी वाल्मीकि जी का जन्म 20 जुलाई 1830 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मुंडसर गांव में हुआ था। वाल्मीकि समाज में पैदा होने के बावजूद भी इनके परिवार में साफ सफाई का कार्य कोई नहीं करता था। जीवन यापन के लिए इनका परिवार बांस की डलिया, सूप इत्यादि बनाने का कार्य करता था। इसके बाद भी महावीर देवी समाज में जातिवादी दंश झेलते हुए बड़ी हुई। वह एक समाज हित ऐसी मानसिकता रखती थी, जिस वजह से वह समाज में महिला प्रथा का विरोध करती थी। छोटी उम्र में बच्चों की शादी करने की प्रथा का विरोध करती थी। समाज को जागृत करने के लिए वह कार्य करती थी और समाज में बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती थी, जबकि वह स्वयं अशिक्षित थी। वाल्मीकि वीरों, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि वाल्मीकि समाज में ऐसी नायिकाओं ने जन्म लिया जिन्होंने केवल अपने समाज के लिए ही नहीं, वरन पूरे सर्व समाज के लिए देश हित में अपना योगदान दिया तथा देश के लिए बलिदान होकर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथियों, 1857 में जब माता दीन वाल्मीकि और मंगल पांडे द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाकर शुरुआत की, परंतु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को बहुत जल्द काबू कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को माता दीन वाल्मीकि और मंगल पांडे सहित कई विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया और 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए बगावत कर दी गई और देखते ही देखते पूरे देश में यह बगावत फैल गई और इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई पूरा देश एकजुट होकर लड़ने लगा। साथ ही वाल्मीकि समाज के द्वारा बगावत में प्रचलन का हिस्सा लिया गया। जब इस बगावत की लड़ाई मुजफ्फरनगर पहुंची, तब महावीर देवी वाल्मीकि जी ने 22 महिलाओं के साथ एक ग्रुप तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ यह लड़ाई ली और इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई उन्होंने डंडे, तलवार, भाले जैसे हथियारों के साथ लड़ी और कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया और यह लड़ाई लड़ते हुए उनकी टोली की सभी 22 महिलाएं शहीद हो गई, जिनका नेतृत्व महावीर देवी वाल्मीकि जी कर रही थी। और 12 जून 1857 को अंग्रेजों से लड़ते हुए महावीर देवी वाल्मीकि जी भी शहीद हो गई। मेरे बहुजन साथियों, 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, परंतु जातिवादी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को छुपा कर रख दिया। जातिवादी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया, जिससे हम और आप हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों से रूबरू नहीं हो सके, परंतु अंग्रेजों द्वारा यह सभी तथ्य अपनी डायरियों में अंकित किए गए, जहां से अब हमें ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। हम अपने बहुजन समाज के हमारे महापुरुषों से अवगत हो रहे हैं। साथियों, वाल्मीकि समाज के ऐतिहासिक पुरुषों की जानकारी मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन पर क्लिक करें, ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारी करवा सके और आप हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।